आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूं रूहानी। अभी के दृश्य आपको श्री न्यूज पर सीधी तस्वीर है जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स के बाहर से दिख रही है जम्मू से, और ये देखिए किस तरह से पुलिस बल की पूरी तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पर एक रैली का रूप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने लिया है और भाजपा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बताएं तो विपक्ष पिछले काफी समय से हमलावर हो चुका है जमीन की जो नए कानून है उसको लेकर, और कहीं ना कहीं अभी के दृश्य जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग जो है काफी गुस्से में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लिए हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि देखिए किस तरह से पुलिस जो है कड़ी मशक्कत जो है कर रही है इन तमाम लोगों को यहाँ से रोकने के लिए। देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में नारेबाजी की जा रही है, वहीं भाजपा के विरोध में जो है यहाँ पर बाजी जो है वो की जा रही है। सीधी तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता जो है काफी गुस्से में है और एक रैली का जो है इन्होंने रूप लिया हुआ है। आप देखिए पुलिस किस तरह से इनको रोक रही है और ये तस्वीरें जो है राजेंद्र जी क्यों जा रहे हैं और क्या गुस्सा है आपको? आज हमारे फारूक साहब को उन्होंने फिर से बिना मतलब से कैद किया है, आज उनको घर के अंदर फिर से जो कैद करके रख दिया है उसके विरोध में हम सब यहाँ से राजभवन तक जा रहे हैं। कोई कारण नहीं बताया? कारण कोई नहीं बताया, ये गुंगी बहरी सरकार है, इनके पास कोई कारण ही नहीं है। चले साफ तौर पर ये तमाम नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, और पीछे अगर हम कहें देवेंद्र सिंह राणा वो भी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू में अगर हम कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्क देने के लिए देवेंद्र सिंह राणा जो है वो समय समय पर सामने जो है वो आते हैं। राणा साहब क्यों इतना गुस्सा है आज नेताओं को? इतना गुस्सा देखने को पुलिस जो है पूरी मशक्कत कर रही है इन तमाम लोगों को रोकने के लिए, और भाजपा के खिलाफ जो है काफी गुस्सा जो है इन तमाम नेताओं का जो है वो फूटा है। और क्यों गुस्सा है नेताओं को आज, क्यों गुस्से में निकले हैं बाहर? फारूक साहब को अभी गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर में, क्योंकि वो हम अपनी मीटिंग कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, वो अपने जलसे में जा रहा है, मजहबी जो वहाँ आजकल फंक्शन है उसमें जा रहे थे, तो उनको फौज ने बंद कर दिया घर में। ये अच्छा नहीं है, उसको जाने देना चाहिए। हाय हाय गुंडागर्दी, हाय हाय जाने देना चाहिए। बीजेपी सरकार, हाय हाय बीजेपी सरकार, हाय हाय। क्यों हिरासत में लिया गया है? हमारे लोगों के हक छीन ले, जो शेख साहब ने बनाए थे वो छीन लिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हक तो अभी मिलने वाले हैं। किसको मिल, कोई नहीं मिल रहा, ये झूठ, ये झूठ है। कि अब्दुल्ला परिवार ने ही हक ले लिए हैं, जब कश्मीर की जनता को कुछ नहीं मिला। हमें क्या दिया, पब्लिक को क्या दिया? हम फारूक साहब के साथ है, जो वो करे हम उनका फैसला कबूल है। चलिए साफ तौर पर यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ किस प्रकार तारबंदी यहाँ पर कर दी गई है, और तारबंदी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और काफी गुस्सा है, काफी रोष है। इनका कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। तार को दबाओ, तार को दबाओ, तार को नीचे, कहीं ना कहीं जमीनों का जो नया कानून आया है उसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो चुका है, और विपक्ष जो है इस प्रकार हमलावर हो चुका है कि भाजपा को घेरने की पूरी तरह से विपक्ष जो है कोशिश कर रहा है। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, तो पूरी तरह से विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिकार जो है वो किस प्रकार सुरक्षित किए। हालांकि भाजपा का तर्क जो है वो यही है कि डोमिसाइल जो है वो लाया गया था, लेकिन अभी ये भी सवाल है कि आखिरकार डोमिसाइल जो है वो क्यों लाया गया है। और आपको तस्वीरें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी गुस्सा जो है इन तमाम नेताओं में है, और इनका कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है, और उसी के बाद ये तमाम लोग एक रैली के रूप में बाहर निकले हैं, जिसके बाद
पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आया है और पुलिस प्रशासन जो है इनको रोकने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा समय समय पर जो ज़मीनों के कानून है उसको लेकर काफ़ी तर्क देती रही कि औद्योगिक विकास होगा और ये परिवारवाद की राजनीति का अंत होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो इस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे आपको नज़र आएंगे और तमाम नेता व कार्यकर्ता भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन के खिलाफ जो है काफ़ी गुस्सा जो है इन लोगों का फूटा है। यहाँ पर कुछ महिला नेता हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों बाहर आना पड़ा, क्यों इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर बाहर आई है। देखिए पूरी तरह से जिस तरह से पीडीपी ने रोष रैली निकाली थी उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है रोष रैली निकाल रहे हैं और भाजपा को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो भी समय समय पर संरक्षित करने की बात करते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया कि क्यों इतना गुस्सा है लोगों में आज, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सड़कों पर उतरी है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो नया कानून बना है ज़मीनों के खरीदने का, भारत को छूट दी है यहाँ ज़मीनें खरीदने के लिए, ये उसके अगेंस्ट ये जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को हाउस अरेस्ट किया है और इस आज वहाँ नमाज अदा करने के लिए नहीं जाने दिया, हम उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो कानून बीजेपी यहाँ बना रही है वो गलत है, वो यहाँ से बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को डिप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा चलने नहीं देंगे। कल पीडीपी के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया कश्मीर में और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी गुस्सा था, तो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी ले लिया गया हिरासत। बात यह है कि जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर की सवाल है, जहाँ देश का सवाल है, देश में और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का राज है ये एक गैर जमहूरी तरीके से कर रहे हैं और एक बड़ा अजीब माहौल है कि जो आदमी बीजेपी की बात करेगा वो उसको हर चीज़ करने दी जाएगी, जो आदमी बीजेपी के किसी एक्शन को उसका एतराज़ करेगा उसका प्रोटेस्ट करेगा तो उसको लेबल किया जाएगा कि ये देश दुश्मन है। मगर मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला साहब ये एक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी रही है कि हमने देश के हित की बात करनी है, रियासत के लोगों की बात करनी है, आज भी हम उसी पर खड़े हैं। आज का जो एतराज़ है वो इस सिलसिले में है कि लोगों की ज़मीनें छीनने का एक कानून जो कल बन गया, उसके बाद लोग बच्चों की नौकरियों का मसला है और इसके साथ साथ यहाँ तक अलग है ये जो फारूक अब्दुल्ला को वहाँ साहब को वहाँ गिरफ़्तार किया गया, अगर इस किस्म का माहौल रहना कि कोई बात ही नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश में जो डेमोक्रेसी है दुनिया में सबसे लोया माना जाता है उस डेमोक्रेसी का, अगर इस डेमोक्रेसी में भी कोई बात करने की हक नहीं है किसी को तो ये बड़ी बदकिस्मती है। सर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग चाहते नहीं हैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज आए, फैक्ट्रीज आए, विकास आए, यहाँ पर आरोप है कि परिवारवाद की जो राजनीति आप लोग चला रहे हैं अब्दुल्ला परिवार की, आप चाहते नहीं खत्म। ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में सांबा में कठुआ में कश्मीर में कितनी इंडस्ट्री आई है, कितनी इंडस्ट्री आई है, कितनी इंडस्ट्री पनपी है यहाँ पर, कितनी इंडस्ट्री आई है, कितनी पनपी है। और ये डेमोक्रेटिक सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे शेरी कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब की थी, फारूक अब्दुल्ला साहब की, ये उमर साहब की थी, इंडस्ट्री हमेशा यहाँ पे फली फूली है, पनपी है। ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी है इनकी कि हम आने नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ जो चाहते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक जो हैं, बेसिक हकूक जो है, जो 370 और आर्टिकल 35A में उनके गारंटीड हकूक थे, उनकी रक्षा की जाए, उनकी
उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उनकी जो रेस्टोरेशन के लिए हमारी जो ये जद्दोजहद है हम कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको दिखा दें आगे के जो दृश्य है, भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की जो तानाशाही है वो ज़्यादा देर तक जो है यहाँ पर नहीं चलने वाली है। यहाँ से नहीं आ जाना जाएगा आपको, आप वहाँ से आओ ना, वहाँ से आओ। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक संकेत है कि यहाँ पर तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी गुस्से में होते हुए ये तमाम लोग जो हैं भाजपा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए तो जम्मू के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो आरोप भाजपा समय समय पर लगाती रही है और भाजपा समय समय पर ये कहती रही है कि परिवारवाद की राजनीति का अंत जो है अब्दुल्ला परिवार चाहता है कि वो नहीं हो, उस पर जो है उनका क्या कहना है। हालांकि तारबंदी यहाँ पर कर दी गई है, आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ, पुलिस बल की जो है यहाँ पर तैनाती जो है वो भी कर दी गई है और भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पर जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से। देखिए तमाम नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर एक रैली के रूप में आए थे और इनका कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में जो है वो ले लिया गया है, जिसके बाद काफ़ी गुस्सा है और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वो आज़ादी जो है वो क्यों नहीं मिल रही है, क्यों इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी नेता भाजपा के खिलाफ बोल रहा है उस नेता को हिरासत में जो है लिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी महबूबा मुफ्ती की, वो ये भी कहती रही कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। लेकिन आज जम्मू में अगर हम कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर हर तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पर अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो काफ़ी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और जो घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं भाजपा को। जो नई अधिसूचना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई जिसमें ये कहा गया कि स्टेट सब्जेक्ट होल्डर जो है नहीं होना पड़ेगा, PRC होल्डर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर ज़मीन जो है वो खरीद सकता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा रोष जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर मौजूद हैं जो मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, हमें वो अधिकार बचाने हैं। महबूबा मुफ्ती ये भी कहती रही कि विफल हुई है, अगर हम कहें वो शब्द यही थे कि विफल हुई है भाजपा लोगों को रोटी देने के लिए तो इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इज़ ऑन सेल, तो ये तर्क जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो है यहाँ पर यही तर्क जो है वो देते हुए नजर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है भाजपा के खिलाफ यहाँ पर। बगल में माइक लेता हूँ बस। राणा साहब एक अहम सवाल है, जब आपके उमर अब्दुल्ला साहब ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर अधिकार क्यों नहीं संरक्षित होते हैं, तो भाजपा के नेता कहते हैं कि आतंकियों को जिस तरह से अब्दुल्ला परिवार ने भेजा है हम नहीं चाहते वो भेजे। अभी मैं कोई सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, अगर आपने मुझसे बात की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, सारे जवाब दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त हम राजभवन जाकर अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इस वक्त हम अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहते हैं। साहब आप कहना चाहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू बीजेपी?
यानी कि आपकी चुप्पी ही आपका जवाब है कि कहीं ना कहीं अब अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। मुझे राजभवन जाने दीजिए, मुझे राजभवन तक भेजिए, फिर बात करूंगा। आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज को अलो होता है, वो चाहे प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें, बट कुछ पार्टीज जैसे ही प्रोटेस्ट करने के लिए बात करती है तो इस तरह की तारे लगा दी जाती है। हम आराम से अपनी मीटिंग कर रहे थे, हमारे दरवाजों पर डिप्लॉयमेंट करके बंद कर दिया। वहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईद मिलाद नबी पे नहीं गया, हमारा हक है। हम मीटिंग कर रहे थे, हमारे लोग जो थे वो डिस्कशन कर रहे थे। ये लोकतंत्र का हनन माने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लैंड लॉ बिल आपके सामने मैसेज दिया जी। क्या लगता है पूरी हो पाएगी? क्या प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिलेगी? अब वो आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको राज्यपाल से, क्योंकि आप वो भी कहते रहे कि भाजपा के हैं, केंद्र के हैं, कहीं ना कहीं सोच वही है, विचारधारा वही है। साफ तौर पर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, यानी कि मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा जवाब है। और देवेंद्र सिंह राणा अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि मुझे राजभवन जाने दिया जाए, और मैं चाहता हूँ कि राजभवन जो है मैं जाऊँ, और जिसके बाद जो है मैं कुछ सवाल जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में क्यों इस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है? और लोकतंत्र में अगर सबको बोलने की आज़ादी है तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं को वो आज़ादी जो है वो क्यों नहीं मिल रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है? और नेशनल नेताओं को यहाँ पर अगर हम कहें तो पूरी तरह से तारबंदी करते हुए रोका गया है, जिसके बाद हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, काफ़ी कोशिश की देवेंद्र सिंह राणा से बात करने की कि आप क्या कहेंगे, लेकिन वो कुछ कहने के लिए अभी सक्षम नहीं है। उनका यही कहना है कि मुझे उपराज्यपाल से मिलना है, मुझे राजभवन जाने की अनुमति दी जाए। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ पर हरकत में आया है, और पूरी तरह से ये जो दृश्य है यहाँ पर तारबंदी जो है यहाँ पर कर दी गई है, जिससे इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की गई है। वहीं यहाँ पर अगर हम कहें तो पुलिस की तैनाती अमूमन जितनी होती है उससे ज़्यादा है, और प्रशासन भी जो है फिलहाल हरकत में आया है, और प्रशासन जो है यहाँ पर इन तमाम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद है। There is some difference. The thing is, देखिए स्पष्ट रूप से आपको तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी नेताओं से ध्यान से की जाए तो वो यही तर्क दे रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किस बिना पर हिरासत में लिया गया, लेकिन यहाँ की आइडेंटिटी को क्रश करेगा। हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय संविधान के बीच में है, और हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
जो हक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक हैं उनको महफूज करना चाहते हैं। 5 अगस्त के बाद यहाँ पे भाजपा के कदावर नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ, यहाँ के लोगों की ज़मीनें उनके लिए महफूज रखी जाएंगी और उनका हक उनसे नहीं छीना जाएगा। हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अपने लोगों के लिए उनका हक मांगना क्या गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी है? और आज हम एक बड़े अपने मीटिंग एक कर रहे थे पार्टी की, जिसमें हम अपने लैंड लॉस के बारे में और बाकी घटनाओं क्रम पे विचार विमर्श कर रहे थे। बाहर पुलिस का इतना पहरा लगा दिया गया और हमें उसी वक्त इतला आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईद मिलाद उन नबी पे जाने नहीं दिया जा रहा, गुपकार में उनको रोक दिया गया। हम एहतजाज नहीं करना चाहते थे, हम मीटिंग कर रहे थे और फिर सीनियर लीडरशिप ने ये फैसला किया कि वक्त आ गया हम राजभवन जाएं और गवर्नर महोदय के वहाँ दस्तक दें और कहें कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल ना हो। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा कदावर नेता, जिस जो आदमी एक सिंबल है जम्मू कश्मीर का और नेशनलिज्म का सिंबल है और सेकुलरिज्म का सिंबल है, उसको इस वक्त वहाँ गुप्तकार में क्यों बंद किया गया है? ईद मिलाद उन नबी की नमाज अदा करने के लिए उनको नहीं जाने दिया जा रहा, ये कौन सा जमहूरियत है, ये कौन सा निज़ाम है? अगर फारूक अब्दुल्ला नेशनलिस्ट नहीं है, अगर फारूक अब्दुल्ला सेकुलर नहीं है, तो मैं समझता हूं कोई आदमी जम्मू कश्मीर में ना नेशनलिस्ट है ना। फारूक साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, भाजपा की जो तीन नेताओं को मारा गया आपको क्या लगता है? आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं, हम सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी, उसमें हम सब इकट्ठे हैं। जो तीन हमारे भाजपा के सियासी वर्कर मरे, इससे बड़ा कावर्डाइस का एक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कायरता का एक्ट कोई नहीं हो सकता। और हम इस चीज की सब लफ्जों में मजम्मत करते हैं और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर पॉलिटिकल वर्कर को जमहूरी कदरों में काम करने की इजाज़त दे, उसको महफूज रखे, उसकी जान और माल की हिफाजत। इसमें एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आया है, टेररिज्म इज नॉट to be allowed and controlled by anybody in a civilized society. Lead control yaar, wahi to nahi, kahan kahan lead, ye le ye le, shukriya, pakistan ka naam bhi na ho, jo aadmi meri zameen pe terrorism mein chalayega uske khilaf har hindustani ladega, isse koi shak nahi hai। जो तीन लोग मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तीन लोग जो मारे गए वो किसी भी जमात से हों, वो किसी भी पार्टी से हों, वो जमहूरियत को वहाँ खड़ा करने के लिए जमहूरी कदरों में जमहूरियत भारत के आईन में जो लड़ रहे हों उनके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा आतंकवादी मसला हो, हम उसके खिलाफ। दादा साहब, पिछले करीब 6 महीने में करीब 1.5 दर्जन सियासी जो है वो कश्मीर में मारे गए। पंडित जी बात सुनिए, पंडित जी जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं ना सुनिए, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है? और पंडित जी मैं इस बहस में नहीं, कहते सैनिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, कहते सैनिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ सलातिया साहब है, अजय सदोत्रा साहब है, गुप्ता साहब है, बुखारी साहब है, जावेद राणा साहब है, सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, हम लोग जमहूरियत के दायरे में रह के सिविलाइज तरीके से राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारे लोगों का हक के लिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। क्या हमें हक नहीं है कि हम जम्मू के लोगों के लिए प्रोटेस्ट करें या जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते प्रोटेस्ट करें? और जो हमारा प्रोटेस्ट है बिल्कुल गैर आइनी नहीं है, आइन के दायरे में है और भारत के संविधान में हम चाहते हैं कि जो हमारे हकूक हैं हमें मिले। अगर हिमाचल को मिल सकता है, अगर नागालैंड को मिल सकता है, अगर सिक्किम को मिल सकता है,
तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, ये हमारा सवाल है। और हम जो भी चाहते हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर चाहते हैं और जमहूरी कदरों के साथ चाहते हैं। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिससे कि कोई नुकसान। भाजपा हमेशा कहती रही है कि अब्दुल्ला परिवार है, कुछ जवाब देना चाहें क्योंकि आज उनकी जनता के लिए आ गया है। अब छोड़ो ना, हो गया। देखिए प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अडिशनल डीसी साहब, अडिशनल डीसी साहब, आप आए हैं, सरकार आई है, नीचे माइक। एक मिनट ये हटाइए मुझे बात। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एडीसी यहाँ पर मौजूद हैं, और बातचीत से जो पूरा मसला है उसको सुलझाने की भी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर तस्वीरों में भी नजर आए हैं। आगे वी आर हैविंग अ मीटिंग अपने दफ्तर के अंदर, उसमें तो कोई एतराज नहीं किसी का। अपने दफ्तर के अंदर हम मीटिंग कर सकते हैं, और जब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग हम डिस्कस कर रहे थे, कई पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे थे मीटिंग, जब चल रही थी चारों तरफ नाकाबंदी कर दी हमारे पास, पुलिस का घेरा पड़ गया जैसे कोई अंदर आतंकवादी बैठे हो, मीटिंग चल रही थी। हम लोग कई पॉलिटिकल मुद्दे जम्मू कश्मीर के डिस्कस कर रहे थे, लैंड लॉस पे डिस्कशन हो रही थी, लेकिन हमारी जितनी भी बातचीत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री के अंदर है और इस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की है। नथिंग अबाउट अस इज एंटी नेशनल, आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी, नथिंग अबाउट ऑल ऑफ अस इज एंटी नेशनल। वी आर द ग्रेटेस्ट नेशनलिस्ट, वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर दिस कंट्री एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दिस इज अवर कंट्री। इतना पुलिस लगा के नाके लगा के चारों तरफ से हमें बंद किया गया। उसके बाद हमें ये खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 बार चीफ मिनिस्टर, उनको गुकार अपने मकान से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी की नमाज देने के लिए। ये कौन सी जमहूरियत है? हमने इसलिए ये फैसला किया, वहाँ सीनियर लीडरशिप, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सतोत्रा साहब, सलातिया साहब, सारे यहाँ बैठे थे। ये फैसला हुआ कि हम राजभवन चले, एक डिसिप्लिन तरीके से बिना किसी को तंग किए हुए हम राजभवन के बाहर जाके इत्तेजाज करें, क्योंकि राजभवन इज द सिंबल ऑफ द कंट्री। राजभवन इज नॉट एन इंडिविजुअल, राजभवन इज नॉट एन इंडिविजुअल रेजिडेंस, इट इज द सिंबल ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ ये था वहाँ जाके हम इत्तेजाज करें और उनसे कहें कि जमहूरियत को कायम रहने दें। लेकिन आपने रोक लिया। नहीं, ऐसा है कि जो भी आपका है अगर रिटर्न में आ जाए पहुँचवा देंगे, आगे जाके आपको पता ही है, सारे सीनियर लोग हैं। तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, हम आपको बाकी परेशानियां भी, हम आपको एक एक हम आपको एक मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम देते हैं, आप मेहरबानी करके हमारा मेमोरेंडम राजभवन पहुंचाएं, केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाएं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि यहां पे कोई लोगों को तंग करना या एहतजाज करके लोगों, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि डेमोक्रेसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसको काम करने दिया जाए और आजादाना तरीके से करना जाए। इतनी माता की। हम आपको आज ही अभी आधे घंटे में एक अपना मेमोरेंडम देंगे, आप मेहरबानी करके वहाँ राजभवन पहुँचा दीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है लोगों को तंग करने का, हम कभी नहीं ये चाहते। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे लोग सीनियर लोग हैं, कोविड के चलते थोड़ा सा लोग जनाब फारूक साहब, फारूक साहब, फारूक साहब, फारूक साहब, जिंदाबाद। सर थोड़ा, सर एक मिनट, ये तो लिया यार, कितने लोग बैठे हैं आप? थोड़ा लोगों, चार्ट तो लेना है, लगाओ।
हाँ जी पूछिए अब राणा साहब, मेमोरेंडम क्या लिखा जाएगा जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिला सके कि आप हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए भारत के आईन के धाराओं के अंदर उनका हक उनको दिलाना चाहते हैं। जो हक उनका बनता है उनको मिलना चाहिए, उनको नौकरियां, उनकी ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ का जो नौजवान है उसको नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो ज़मीनें हैं उनको इसलिए महफूज रखा जाए क्योंकि शेख साहब ने लैंड टू द टिलर लाकर गरीब आदमी को हक दिया और उसकी वजह से हर आदमी के सर पे एक छत है, खाने के लिए उसके पास दाने हैं, कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि उसके पास छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े हैं जो शेख साहब ने उसको दिए थे। वो एक्ट भी आज अबॉलिश कर दिया गया, बिग लैंडेड एक्ट। हम ये चाहते हैं कि लैंड लॉज इस तरह से बने या और ताकि लोगों की ज़मीनें महफूज रहें और लोगों के जो ज़मीन है और नौकरियां हैं वो नौजवानों के लिए महफूज रहें और नौजवानों को नौकरियां मिलें। इसके चलते हम यहाँ एक मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे और हमें ऐसे घेर दिया गया जैसे कि कोई कैद खाने में हम हों और जैसे कोई हम एंटी नेशनल हों। चारों तरफ पुलिस के पैरे लगा दिए गए जैसे कोई हम टेररिस्ट हों, जैसे हम कोई आतंकवादी हों। और हमने ये फैसला किया, सीनियर लीडर हैं साथ में, मंत्री हैं पार्टी के, सीनियर एमएलएज और एमएलसीज और बाकी सब ने ये फैसला किया कि हम राजभवन तक जाएंगे, पीसफुली डेमोक्रेटिकली जाके अपना एहतजाज करेंगे। इतने में खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गुफ्कार में अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा ईद मिलाद और नबी की नमाज अदा करने के लिए। और इसलिए हमने ये कहा कि हमें फौरी तौर पे निकलना चाहिए, जाके राजभवन में जाके हमें गवर्नर साहब महोदय से ये कहना चाहिए कि जमहूरी कदरों को कायम रखें जम्मू कश्मीर में और जो लोग जमहूरियत का झंडा लेके खड़े हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात मुनसिफाना तरीके से और आज़ादाना तरीके से अपनी बात को जमहूरी भारत के जमहूरी कदरों के आइन के बीच में रख के कर सकते। राणा साहब, आपने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करते हुए ये बात कही है कि हम एंटी नेशनल वी आर नॉट एंटी नेशनल। बार बार ये बात वी आर नॉट एंटी नेशनल पढ़ रही है, वी आर नॉट एंटी नेशनल। बाकी जितनी भी पार्टी है प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एनसीसी जब प्रोटेस्ट करने आए तो तारबंदी हर जगह पर कर दी। देखिए यहाँ पर देखिए ठीक है जी, सुनिए आपने जो बात कही, हम भारतीय हैं और हमेशा भारतीय थे। जम्मू कश्मीर का जो आईन था उसी में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और इसलिए कोई लड़ाई हमारी भारत के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है जो ऐसे कानून ला रही है जिससे जम्मू कश्मीर का हक जो हमें भारतीय आईन में मिला है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारी जंग देश के साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि देश जो है वो सुप्रीम है, देश हमारा है, ये हमारा देश है, हम इसके देशवासी हैं, ये जमहूरियत हमारी जमहूरियत है। बार बार ये बोल बोल के प्रूफ क्यों करना पड़ता है? क्यों क्योंकि हमें किसी से सर्टिफिकेट ना लेना है ना देना है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं डिटेंशन का सिलसिला खत्म हो गया था, आज दोबारा डिटेंशन का सिलसिला शुरू हुआ है। राणा साहब, राणा साहब एक नींद नहीं है, आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जो तीन लोग मारे गए उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि हर वो आप पॉलिटिकल वर्कर जो जमहूरी कदरों पे जमहूरियत को चला के जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको महफूज रखा जाए और उसकी सुरक्षा और उसकी परिवार की सुरक्षा, वो तीन जो लोग मरे वो शहीद हैं। सब केंद्र कह रहे पूरी तरह से विलय अभी हुआ है, आपको तकलीफ क्या है? केंद्र आपसे सवाल कर रहा है, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर औद्योगिक? मुझे ये तकलीफ है कि मैं हमेशा भारतीय था, ये मुझे तकलीफ है। आई एम एन इंडियन, आई वॉज ऑलवेज एन इंडियन, आई विल डाई एज एन इंडियन, ये मुझे तकलीफ है। साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से
तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद थे। और इस तरफ की अगर मैं स्थिति दिखाऊँ तो कुछ देर पहले यहाँ पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स धरने पर बैठ चुके थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं, तारबंदी जो है वो कर दी गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्पष्ट संदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये दिया गया है कि हम भारतीय हैं, हमें राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र जो है वो भाजपा से नहीं लेना है। हर व्यक्ति जानता है कि हम भारतीय हैं, लेकिन स्पष्ट संदेश यही है कि क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया, क्यों कल पीडीपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जो हैं अब गुस्से में और एक मेमोरेंडम जो है वो सौंपने की कोशिश करेंगे उपराज्यपाल को, जिसमें जम्मू कश्मीर की तमाम जो जनता है जो विश्वास करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, ये इनका कहना है, वो मांगे जो है उस मेमोरेंडम में लिखी जाएंगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन किन मांगों को पूरा किया जाएगा और किस तरह से आगे की प्रक्रिया जो है यहाँ पर चलने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सियासत के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एकमात्र भाजपा ही है जो इस बिल का, या फिर हम कहें जिस तरह से अधिनियम आया है और अधिसूचना जो है यहाँ पर आई है जमीनों को लेकर, उसका यहाँ पर स्वागत कर रही है। वहीं अपनी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, हर एक विपक्षी दल का नेता आवाज बुलंद कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ और कह रहा है कहीं ना कहीं आपने हमारी पहचान मिटा दी। हम विलय दिवस किस तरह से मनाते, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने विलय करते समय यहाँ पर ये कहा था तमाम अधिकार जम्मू कश्मीर की जनता के सुरक्षित हो। इसी के साथ विजिलेंस पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।